हेलो पीपल, कैसे हो आप सब। मैं हूँ ईशान सिंह और आज हम वीडियो देखने वाले हैं इंग्लैंड में दौड़ी नेपाली गोरखा की ट्रेन। अ बिग अचीवमेंट फॉर नेपाल। साउंड बहुत अच्छा कर रहा है, डेफिनेटली कर रहा है, बिकॉज गोरखा यानी नेपाली सदस्य, नेपाली सिटीजन का, या तो सिटीजन की ट्रेन, या तो उनकी बनी हुई ट्रेन है, या उन्होंने चलाई है, या मे भी कुछ भी हो सकता है। तो हम ये वीडियो देखेंगे, इसमें पता लगाएंगे कि ऐसा क्या अचीवमेंट किया है और क्या मतलब इतना अच्छा नाम कैसे कमा लिया कि उनके बारे में इंग्लैंड में इस तरीके से बात हो रही है। और ये हिंदी में होगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और आई एम श्योर इट्स इन हिंदी, बिकॉज लिखा तो हिंदी में ही है सब टाइटल वगैरह। तो ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम इस वीडियो की तरफ चलते हैं। मिस मत करना, वीडियो देखो और मुझे बताओ ये फैक्ट स्टोरी है जो दिखा रहे हैं, तो बताना मुझे। नमस्कार दोस्तों, अम्पी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों इस समय नेपाल के एक वीर सैनिक तुल बहादुर पुन पर बहुत ही बड़ा गर्व करने वाली अपडेट निकल के आ रही है। दोस्तों क्योंकि अब नेपाल के इस सैनिक के नाम पर इंग्लैंड में ट्रेन चलाई जाएगी और इंग्लैंड नेपाल के इस सैनिक को हमेशा के लिए यादगार बनाना चाहता है। दोस्तों क्या है पूरी अपडेट और नेपाल के इस गोरखा सैनिक ने इंग्लैंड के लिए ऐसा क्या कर दिया जिसके चलते इंग्लैंड नेपाल और इस सैनिक को इतना बड़ा सम्मान देने जा रहा है, और इस नेपाली सैनिक के नाम पर इंग्लैंड में ट्रेन क्यों चलाई जा रही है, पूरी अपडेट मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो दोस्तों हम सदियों से नेपाली गोरखाओं के बहादुरी के किस्से तो सुनते आ रहे हैं और हम ये भी जानते हैं कि नेपाल के गोरखा बहुत से देशों की सेना में भर्ती है और एक सैनिक के तौर पर उन देशों की सेवा कर रहे हैं। और यहाँ तक दोस्तों नेपाली गोरखा उन देश की सेवा के लिए अपनी जान भी न्योछावर कर रहे हैं। और दोस्तों इन्हीं सैनिकों में से एक थे नेपाल के तुल बहादुर पुन, जो ब्रिटिश सेना में भर्ती थे। यानी दोस्तों तुल बहादुर पुन ब्रिटेन के एक गोरखा सैनिक हुआ करते थे। और दोस्तों जब तुल बहादुर 21 वर्ष के थे तब द्वितीय विश्व युद्ध में उन्होंने इंग्लैंड का बहुत ज्यादा साथ दिया और सेकंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध में वो इंग्लैंड के बहादुर सैनिकों में से एक थे। और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में एक समय ऐसा भी आया जब तुल बहादुर यानी नेपाल का ये जवान पूरी सेना पर अकेले ही भारी पड़ गए थे और उन्होंने अपनी ताकत और बहादुरी के बल पर दुश्मन की सेना को भागने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में तुल बहादुर की इसी वीरता के कारण, इसी जज्बे के कारण उन्हें इंग्लैंड द्वारा 21 वर्ष की उम्र में ही VC यानी विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और दोस्तों मैं आपको यह भी बता दूं कि तुल बहादुर जी को जो VC अवार्ड यानी विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से सम्मानित किया गया था वो ब्रिटिश सेना में सैनिकों की वीरता के लिए, बहादुरी के लिए ब्रिटेन की महारानी द्वारा दिए जाने वाला सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पुरस्कार था। और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध में उनकी बहादुरी के लिए, उनकी वीरता के लिए ही इंग्लैंड द्वारा 21 वर्ष की उम्र में ही तुल बहादुर जी को VC अवार्ड यानी विक्टोरिया क्रॉस अवार्ड से सम्मानित कर दिया गया था। और दोस्तों अब ग्रेट वेस्टर्न रेलवे ने विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित तुल बहादुर की याद में और द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म हो जाने के 75 साल पूरे होने पर तुल बहादुर उनके नाम पर रेल सेवा शुरू करने का इंग्लैंड ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ब्रिटेन द्वारा उनके नाम पर जो ट्रेन चलाई जा रही है ये केवल तुल बहादुर जी के सम्मान की बात नहीं है बल्कि यह सभी नेपालियों के लिए बहुत ही बड़ा गर्व करने की बात है, क्योंकि दोस्तों ये नेपाल के लिए ब्रिटिश सम्मान को दर्शाता है। और दोस्तों इंग्लैंड नेपाल के इस बहादुर सैनिक की वीरता को युगों युगों तक याद रखना चाहता है ताकि पूरी दुनिया इस नेपाल के तुल बहादुर को कभी न भूल सके। और इसीलिए उन्होंने ग्रेट वेस्टर्न रेलवे जो यूनाइटेड किंगडम की एक रेलवे सेवा है उनकी ट्रेन का नाम तुल बहादुर के नाम पर रखने का फैसला लिया है ताकि पूरी दुनिया नेपाल के इस सैनिक का नाम पूरे गर्व से ले सके और नेपाल का भी नाम पूरी दुनिया में रोशन हो सके। इसके अलावा दोस्तों गोरखा वेलफेयर ट्रस्ट के एडम बेंथम ने बताया है कि गोरखा सैनिकों ने द्वितीय विश्व युद्ध में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई उसे इंग्लैंड कभी भी नहीं भूल सकता और इंग्लैंड भी ये बात खुद कह रहा है कि हम नेपाली गोरखाओं के बहादुरी के किस्से, उनकी वीर
वीरता को कभी भी नहीं भूल सकते। और द्वितीय विश्व युद्ध में हम नेपाली गोरखाओं के कर्जदार हो गए हैं और इस कर्ज को हम चाहकर भी नहीं चुका सकते। इसलिए हमने उनके सम्मान के लिए एक छोटा सा काम किया है कि हमने वेस्टर्न रेलवे में उनके नाम से एक ट्रेन चलाने का फैसला लिया है ताकि पूरी दुनिया नेपाल के गोरखा सैनिकों को और नेपाल के तुल बहादुर को याद रख सके। तो सच में दोस्तों ये नेपाल के लिए बहुत ही बड़ा गर्व करने की बात है कि नेपाल के तुल बहादुर ने नेपाल का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया है और इंग्लैंड तुल बहादुर का कर्जदार हो गया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आज आपको इस वीडियो को शेयर करना पड़ेगा और चैनल पर नए हैं तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। कितनी गर्व की बात होती है ना कि आपके देश का नाम रोशन होता है। भाई ट्रेन चलने वाली है तुल बहादुर जी के नाम से, तुल बहादुर पुन के नाम से ट्रेन आएगी। हमें इधर जाना, कौन सी ट्रेन आने वाली? तुल बहादुर पुन ट्रेन अराइविंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। दिस इज अमेजिंग, सीरियसली अमेजिंग। और उन्होंने जो काम किया है, जो उन्होंने देश के लिए किया है, देखो नेपाली कहीं भी हो, चाहे वो इंडिया, ब्रिटेन, जितने जहाँ भी रहते हैं, बट दे आर वेरी लॉयल टू देयर नेशन। नेशन ऐसे जिधर के वो कर रहे हैं, जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो गया, हमारा देश ले लीजिए, इंडिया ले लीजिए, यहाँ पे भी नेपाली गोरखा नेपाल से आते हैं, वो ज्वाइन करते हैं, बटालियन में घुसते हैं, बट दे गिव देयर 100% टूवर्ड्स वेयर दे आर वर्किंग। वो अपना 100%, तभी उनको आर्मी कहा जाता है ना, डिफेंस के, मिलिट्री फोर्स, देश की रक्षा के लिए, तो वो उसी हिसाब से ज्वाइन करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे दिखी, उनको वैल्यू मिली, उनके उनके जो काम हुए, तो मतलब वर्ल्ड वॉर टू में उन्होंने इतना अच्छा नाम कमाया। 21 साल की उम्र से वो अवॉर्डेड थे VC, वो उसको वीडियो क्रॉस बोल रहे हैं, वो वीडियो क्राउन जो भी है वर्ड, लेकिन इट्स अ वेरी बिग थिंग दैट क्वीन के तरह से उनको अवार्ड मिला है। और आज उनके नाम पे, आज 72-75 ईयर्स जो बता रहे हैं वो, उस हिसाब से ट्रेन आज लॉन्च की है, ट्रेन में नाम उनका दिया है ताकि उनकी मेमोरीज याद रहे। तो ये कोई मतलब छोटी बात नहीं, काफ़ी बड़ी बात है। मतलब नाम कमा के चले गए, ठीक है, नाम कमाना इट्स बहुत मुश्किल, मतलब डूबना बहुत ईजी होता है, कमाना बहुत मुश्किल होता है। उन्होंने वो कमाए हैं और आपके देश को प्राउड फील कराया है। यस, आई लाइक दिस वीडियो, होप यू पीपल लव्ड इट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अभिनेता विदा, टेक केयर, बाय।